नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया मोटर कार पे। जी हां दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए ट्रैक्टर का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कलेक्शन लेके आ चुका हूं। और आप लोग का सबसे ज़्यादा डिमांड आता है दोस्तों कि हमें कम बजट की भी ट्रैक्टर चाहिए। आज दोस्तों इस वीडियो में आपको कम बजट की भी ट्रैक्टर मिलेगी, चाहे आप 50,000 में देखिए, 1.5 लाख में देखिए, 1,60,000, बहुत ही कम कीमत में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आज मैं आया हूँ दोस्तों रायपुर में और यहाँ पे वो हर एक स्टॉक है, चाहे आप कोई भी सी कंपनी देखिए, चाहे आप सोनालिका, पावर ट्रैक, महिंद्रा, जॉन डियर, मेसी, न्यू हॉलैंड, हर एक कंपनी की भैया के पास यहाँ पे स्टॉक रहता है। और यहाँ पे दोस्तों ट्रैक्टर के साथ उसका इक्विपमेंट भी आपको मिलेगा, चाहे आप नांगर देखिए, ट्राली देखिए या आप थ्रेसर देखिए, हर वो इक्विपमेंट की भी स्टॉक भैया यहाँ पर अवेलेबल रखते हैं। और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने काफ़ी बिजी समय में हमारे लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर एक बार आप यहाँ का एड्रेस बता दीजिए ताकि लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ। यहाँ ये रायपुर है, रायपुर में अपना न्यू धमतरी रोड अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने हमारा शॉप है मंजित मोटर का। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा पुराने गाड़ी स्टॉक करके रखते हैं जी। कम से कम यहाँ 30 से 40 गाड़ी स्टॉक है अपने यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दोस्तों जैसा कि आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है कि भैया के पास 50,000 में भी ट्रैक्टर मिल जाता है, आज भी भैया के पास एक और ट्रैक्टर आ चुका है 50,000 में, मैं वो भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों लास्ट तक बने रहना, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि भैया के पास काफ़ी कम ही बजट की ट्रैक्टर यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको पावर ट्रैक का 439 मॉडल भी मिल जाएगा। इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो में आप इसके चारों तरफ से कंडीशन देख ही सकते हैं। जिस कंडीशन में यहाँ आपको ट्रैक्टर दिख रहा है वही कंडीशन आपको मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों ट्रैक्टर दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, आप जब भी कॉल करें तो प्लीज़ आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही कॉल कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद आप कॉल करेंगे आपका कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप कंप्लेन करते हैं कि हमारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सुबह 10 से लेकर ही शाम 6 बजे तक ही कॉल कीजिए। और साथ ही आपको ये भी बता दूँ, ये जो ट्रैक्टर आज का कलेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों के लिए है। अगर आप बाहर से देख रहे हैं दोस्तों तो ये ट्रैक्टर आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ये मात्र आपको छत्तीसगढ़ वालों के लिए ही काफ़ी अच्छा ये वीडियो आज होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं आज पावर ट्रैक का 439 मॉडल। और विकास सर इसका मॉडल और प्राइस क्या है वो आप बताएंगे। ये मॉडल 2007 का मॉडल है ये जी। इसका रेट रखें 1,30,000, मात्र 1,30,000। हाँ। और सर ये लगभग कितने घंटा चल चुकी होगी ये लगभग 3,000 घंटा चल चुका होगा। 3,000 घंटा। और ये HP कितना है सर इसका? ये 39 HP का गाड़ी है। ये 39 HP का ये गाड़ी, लेकिन आपको सेल्फ स्टार्ट कंडीशन में मिलेगा, गाड़ी रनिंग कंडीशन में मिलेगा ये जी। इसका हाइड्रोलिक वगैरह सारा चीज काम पूरा कम्प्लीट मिलेगा आपको, हुड लगा के नया हुड मिलेगा जी, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी मिलेगा जी। और गाड़ी में कोई भी तकलीफ रहेगा छोटा मोटा तो उसका काम करके मेरा मैकेनिक हाथ का काम होगा, वो हम काम करके देंगे। मतलब कि कस्टमर को पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही यहाँ से गाड़ी डिलीवर करेंगे। बिल्कुल। जो हाथ का काम रहता है जैसे इंडिकेटर नहीं जल रहा है, सेल्फ स्टार्ट नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है, ये सब करके देंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको मैं बता दूँ भैया के पास यहाँ पे आइसर का डीलरशिप है और यहाँ पे इनका आइसर का सर्टिफाइड मैकेनिक बैठा हुआ है, और वो मैकेनिक जो है वो आपकी गाड़ी को तैयार करके देगा। अगर कुछ भी छोटी मोटी फॉल्ट रहती है तो भैया यहाँ पे नया वुड लगा के देंगे, और अगर आपको लगता है कि कुछ छोटे मोटे फॉल्ट आपको दिख रहे हैं सामने तो वो भी आपको कंप्लीट करा कर देंगे। और सर ये जो आप प्राइस बता रहे हैं ये नेगोशिएबल भी रहेगा? नेगोशिएबल प्राइस है दोस्तों, मात्र 1,30,000 में आपको एक तो ट्रैक्टर मिल रहा है और उसमें भी आप ये प्राइस नेगोशिएबल रहेगा। और ये ट्रैक्टर अभी कंप्लीट नहीं हुई दोस्तों, और ये आपको नया वुड लगा के भी इसे कंप्लीट करके आपको अवेलेबल यहाँ पर कराया जाएगा। दोस्तों अगर आपको आइसर का ट्रैक्टर चाहिए जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों, और सेकेंड हैंड में जो इसका दीवाना है दोस्तों, आज भी वो आइसर कंपनी ही पसंद करता है, किसी और कंपनी पे नहीं जाता। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आइसर का 5150 का। और विकास सर ये जो मॉडल है ये कितने HP का है और ये कब की है? ये मॉडल 2012 मॉडल का गाड़ी है ये जी। इसका रेट रखे हैं 2,50,000, मात्र 2,50,000। 2,50,000। और ये सन कब की सर? ये 2012 की। और 50 HP का गाड़ी है ये। 50 HP की गाड़ी 2012 की दोस्तों, मात्र 2.5 लाख में यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, और ये आइसर का है ट्रैक्टर जो है, लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। साथ ही मैं आपको इसका टायर भी दिखा दूँ दोस्तों, इसमें आपको MRF का टायर मिलने वाला है।
और पीछे का भी आप टायर देख सकते हैं दोस्तों, पीछे की भी टायर की कंडीशन आपको इसमें 15% लगभग टायर बची हुई है पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें 6 फीट का रोटावेटर भी चल जाएगा सर, 6 फीट का ना रोटावेटर चल जाएगा इसमें, 6 फीट तक की रोटावेटर आप इसमें चला सकते हैं दोस्तों, काफ़ी पावरफुल इंजन के साथ ही आएगा। इसके आप कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, वाकई में यहाँ पे ट्रैक्टर काफ़ी अच्छे कंडीशन में यहाँ पे मिलने वाला है और बजट भी काफ़ी कम ही कीमत में मिलने वाला है दोस्तों। लास्ट तक ज़रूर बने रहना क्योंकि आपको लास्ट में बहुत ही कम बजट का भी ट्रैक्टर मैं दिखाने वाला हूँ। और उसके साथ ही दोस्तों ब्रांड न्यू कंडीशन की यहाँ पे आपको एक और मॉडल मिल जाएगी आयसर का, ये है 380 मॉडल। इसमें भी दोस्तों आपको चारों के चारों टायर ब्रांड न्यू मिलने वाले हैं और वो भी गुड एयर का, जो टायर कंपनी में सबसे टॉप में माना जाता है। और विकास सर, इसका मॉडल और प्राइस क्या है वो भी आप बताएंगे। ये मॉडल 2020 का मॉडल है जी और इसका प्राइस रखे है 4.5 लाख रुपये। और सर सबसे पहले ये भी बताइए आप, ये नया का क्या प्राइस होगा इसका? नया का लगभग ये 6.5 लाख का होगा। 6.5 लाख और आप कितने में दे रहे हैं? ये 4.5 लाख, मतलब 2 लाख रुपये आपको कम में ये मिल जाएगा। और सर ये लगभग कितनी चल चुकी होगी? ये 300 घंटा मात्र 300 घंटा दोस्तों। अगर आपका कोई नया का प्लान कर रहे हो तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि मात्र 300 घंटा चला हुआ ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। और ये 2020 का है दोस्तों, 2021 लगे अभी हाल ही हुआ है, मतलब ये 6 महीने से लगभग साल भर के अंदर की ही ये गाड़ी है और आपको ब्रांड न्यू कंडीशन में मिलने वाला है। सर इसका HP कितना है वो भी बताएंगे? ये 40 HP का गाड़ी है सर, ये 40 HP का, इसमें 5 फीट का रोटावेटर चलता है सर इसमें। बिल्कुल 5 फीट का रोटावेटर आप आराम से इसमें चला सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में दिख रही। मैं आपको टायर भी दिखा दूं दोस्तों, इसके रुएं भी अभी तक नहीं हटे हैं दोस्तों, ब्रांड न्यू कंडीशन, बस टायर लग के यहाँ पे खड़ी ही हुई है ये गाड़ी। दोस्तों पूरे भारत की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ट्रैक्टर में से एक है महिंद्रा की 475 DI। आप कहीं भी चले जाएँ दोस्तों, ये महिंद्रा का जो ट्रैक्टर है सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। और विकास सर इसका मॉडल और प्राइस क्या है वो आप बताएंगे? ये सर 2012 मॉडल है, इसका रेट रखे है 2,70,000। 2012 की 2,70,000 ये जो मॉडल है 42 HP वाली है? हाँ 42 HP का गाड़ी है। 42 HP की गाड़ी है दोस्तों, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। और लगभग चली कितनी होगी सर ये? ये लगभग 2,000 घंटा लगभग चल चुकी है दोस्तों। और आप इसकी कंडीशन देखिए, आपको इसमें टायर की ग्रिप भी लगभग 50% पीछे का टायर आपको मिलने वाला है, 50 से 60%, फ्रंट का आपको 90% टायर मिलने वाला है। और इसकी कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत ही गजब की कंडीशन में आपको ट्रैक्टर मिल जाएगी। और भैया के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन है ट्रैक्टर का। और साथ ही एक और मैं आपको ट्रैक्टर भी दिखाता हूँ, ये है न्यू हॉलैंड की 4010। ये न्यू हॉलैंड की 4010 जो ट्रैक्टर है दोस्तों, ये एक तो इसका स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, आपको लगता ही नहीं कि आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, आपको लगेगा कोई कार चला रहे हैं, इस टाइप का फीलिंग आएगा। और ये फीचर लोडेड ट्रैक्टर आता है न्यू हॉलैंड का। और विकास सर इसके बारे में भी आप डिटेल बताइए। ये 4010 ट्रैक्टर है, ये 40 HP का गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग बिल्कुल जी, पावर स्टीयरिंग गाड़ी है, 40 HP का है। इसमें आप 4 फीट से 5 फीट का रोटावेटर चला सकते हो, 5 फीट कस्टमर चलाता है इसमें रोटावेटर। इसका डीजल खपत 2.5 लीटर है पर घंटा, 2.5 लीटर पर घंटा का इसका डीजल खपत है दोस्तों। और साथ ही मैं आपको इसका टायर का हाइट भी दिखा दूं दोस्तों, टायर भी इसमें काफ़ी आपको हेवी मिलने वाला है, 80-85% इसका टायर है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी हेवी है। और 2017 का ये न्यू हॉलैंड आप देख रहे हैं दोस्तों, 40 HP का। और साथ ही आपको बता दूं अभी सीट वगैरह का वर्क इसमें नहीं हुआ है, लेकिन ये सारा चीज़ कंप्लीट करा के यहाँ पे भैया आपको अवेलेबल करवाएंगे। उसके साथ ही दोस्तों आयसर का आपको एक और मॉडल मैं आपको बता दूं, ये है 485। ये भी ट्रैक्टर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहता है और अपने मार्केट में दोस्तों जो इसे एक बार यूज़ करता है वो हमेशा आयसर पे ही जानने की कोशिश करता है। और विकास सर इसका मॉडल और प्राइस आप बताएंगे? ये मॉडल 2016 का है जी, इसका रेट रखे 4,10,000। 4,10,000 हाँ, ये गाड़ी एयर कूल्ड इंजन है, ये 485 अपने अभनपुर एरिया में बहुत ज़्यादा बिकने वाला गाड़ी में से है, अपना ये राजिम पिथौरा इधर अपना गाड़ी, ये सर एक ही गाड़ी बिकता है 485। सर इसका क्वालिटी क्या, खासियत क्या है इसका? सर सबसे बड़ा क्वालिटी है एयर कूल्ड इंजन है जी। एयर कूल्ड इंजन से क्या होता है सर, गाड़ी ना गर्म नहीं होता जी, और बाकी गाड़ियों में क्या होता है रेडिएटर वाला सिस्टम रहता है तो उसमें पानी डालना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है कि जो अपना ड्राइवर रहता है ड्राइवर कभी ध्यान नहीं दिया गाड़ी हीट हो जाता है जी ऑटोमेटिक। तो उसमें क्या है, इसमें ये सुविधा है कि इसमें रेडिएटर ही नहीं है तो पानी डालने वाला सिस्टम ही नहीं है। अच्छा इसमें क्या है, रेडिएटर नहीं है, इसमें ब्लोअर लगे हुए हैं, ये फ्लाइट तकनीकी का है एक प्रकार से, देखोगे जो फ्लाइटों में ब्लोअर लगे रहते हैं ना उसी तकनीकी का ये 485 है।
बिल्कुल बिल्कुल ये 4x85 ऐसा गाड़ी है कि जो किसान एक बार लेके गया वो दूसरा गाड़ी कभी सोचता ही नहीं है। बिल्कुल सर। और इसका डीजल खपत कैसे रहता है सर? इसका डीजल खपत लगभग 2.5 लीटर है रोड में, और जब आप नागर में चलाओगे तो 3 लीटर आएगा सर। 3 लीटर के लगभग आएगा। और इसका प्राइस क्या कोट कर रहे हैं सर आप? इसका ये आपको पड़ेगा 4,10,000 का। 4,10,000 में ये पड़ेगा। और इसकी नई अभी क्या प्राइस? नया ये सर 8,20,000 का देते हैं जी, लेकिन इसमें 80-85,000 का डिस्काउंट रहता है, मतलब कस्टमर को 7,20,000 का पड़ता है। ये गाड़ी में कस्टमर को लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। और ये लगभग कितनी चल चुकी होगी सर? ये गाड़ी लगभग सर 1500 घंटा चला है। 1500 जी। और HP कितनी सर? ये 45 HP का गाड़ी है। दोस्तों आप इसकी कंडीशन देखिए, मैं आपको इसका टायर भी दिखाता हूँ। दोस्तों फ्रंट और रियर टायर देखिए, वाकई में ये जो टेक्नोलॉजी है, आप कोई भी कंपनी में चले जाओ आपको किसी कंपनी में भी ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाला। इस विकास सर आपका वाकई में कलेक्शन बहुत ही शानदार रहा। और ख़ास करके दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये जो आयसर का 333 मॉडल है ये बहुत ही लाजवाब है। ये गाड़ी नहीं के बराबर चला हुआ है और काफ़ी अच्छे कंडीशन में यहाँ आपको मिलने वाला है। विकास सर आपके साथ वीडियो शूट करके वाकई में बहुत मज़ा आया, आपका कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहा। दोस्तों मैं अपने चैनल में हमेशा इसी तरीके का वीडियो बनाते रहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।